सोमवार को जींद की रानी तालाब स्थित युवा इनेलो ऑफिस में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता युवा इनेलो प्रदेश प्रभारी भाई प्रदीप गिल ने की, जिसमें हल्का जींद के युवाओं ने शिरकत की। यहां पर प्रदीप गिल ने बोलते हुए कहा कि युवाओं का दायित्व बनता है कि हम दीपावली पर जहां हंसी खुशी मनाएं, वहीं प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का फैसला लिया। इस दीपावली पर युवाओं को एक पहल करनी चाहिए। जो आज समाज में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति पाति व धर्म मजहब का जहर घोलने का प्रयास किया हुआ है, उन्हें करारा जवाब देते हुए इस दीपावली के त्यौहार पर हम प्रयास करें कि गरीब अमीर जाति पाति व धर्म मजहब की दीवार को तोड़कर हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ इस त्यौहार को मनाने का काम करें। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज भी आप सभी को यहाँ पर बुलाकर युवा होने के नाते ये फैसला किया कि इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए हम युवाओं को आगे आकर पहल करनी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार किया जाए। इस मौके पर उनके साथ युवा हलका प्रधान विकास सिहाग, जसवीर रेडू, कैलाश बरसोला, राजेश कंडेला, अरुण सौदा, सागर टांग, मनीष शर्मा, सुनील इंदौरा, कृष्ण बाल्मीकि, विकास मुंजाल, राजू दाल मलवाला, सतीश पिंडारा, सुमित रायचंद वाला, अर्जुन ढिल्लो, सतीश बिढ़ान, अनिरुद्ध खांडकर, विजेंद्र रूहिल, जय भगवान 21, बिंद्र रूपगढ़, परवीन सिरोही, नीरज बुरा रहेड़, नरेंद्र पहल, अमित खटकर आदि सभी साथी उपस्थित थे। जीन से ऋषि मेहंदीरत्ता, आज़ाद टीवी न्यूज। की किस प्रकार से जो है आने वाला समय, जो दीपावली का त्यौहार हम हर्षोल्लास से मनाते आए हैं, आज के माहौल को देखते हुए एक तो हमने भाईचारा किस प्रकार से कायम हो, आज जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक लोग जातिगत जहर घोल करके धर्म का नाम ले से और कई अलग तरीके से जो है इस समाज को बंटवारे के कगार पर ले जाने का काम करें, हमारा प्रयास है कि इस दीपावली के अवसर पर हम युवाओं को जहां आपसी भाईचारा बनाने की बात को लेकर के शपथ दिलाएँ। दीपावली में हम युवा साथी खास तौर पर ये जिम्मेवारी समझें कि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो, पटाखे ना जला करके हम पटाखे रहित दिवाली मनाने का काम करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे, इस चाइनीज सामान का भी जो है ना बहिष्कार करें। हमारे युवाओं से हमारा आग्रह भी है, अपील भी है, आए दिन मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी और ट्विटर, फेसबुक और जो है ना व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये चीज़ें आमतौर पर पूरी चर्चा में है कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करें।